हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं के मन में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं। कुछ ऐसे लक्षण उनमें दिखाई देते हैं जिसको देख करके वो ये पता लगाने की कोशिश करती हैं कि उनको लड़का होगा या लड़की होगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं के बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और बहुत सारे बदलाव उनमें नज़र आते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको दो टॉपिक के बारे में बताऊँगी, दो लक्षण ऐसे बताऊँगी जिसको कि माना जाता है कि ये गर्भ में लड़का होने के लक्षण होते हैं। वीडियो बहुत ही छोटा सा है फ्रेंड्स, दो ही लक्षणों के बारे में बता हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं पहले लक्षण के बारे में। तो सबसे पहले, कुछ गर्भवती महिलाएं ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान शुरुआत से ही लेकर के 9वें महीने तक अच्छे से खा पी पाती हैं। उनकी जो भूख है वो सेम ही रहती है, उनमें बदलाव नहीं आता है। लेकिन काफी गर्भवती महिलाएं ऐसी होती हैं जो 3 महीने तक तो सही से खाती हैं, उनकी क्वांटिटी अच्छी होती है, लेकिन 4थे महीने से यानी कि 2nd ट्राइमेस्टर से उनकी जो भूख है वो कम होने लग जाती है। उनको कोई भी चीज खाने की इच्छा बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो आखिर भूख कम क्यों हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं के बॉडी में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके वजह से गर्भवती महिलाओं की जो भूख है वो कम होने लग जाती है। अब ऐसे में माना जाता है कि ये गर्भ में लड़का होने के लक्षण होते हैं, लेकिन इनका कोई भी साइंटिफिक आधार नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान ये होना आम बात है, लेकिन माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही से अगर गर्भवती महिला की भूख कम हो जाती है, यानी उनके खाने की जो क्वांटिटी है पहले जितना खाती थी उसे वो कम खाने लग गई है, तो ऐसे में उनके गर्भ में एक लड़का पड़ रहा होता है। नेक्स्ट सिम्टम के बारे में बात करें तो गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान बार बार यूरिन आने की समस्या होती है। हर 10 से 15 मिनट में वो यूरिन के लिए जाती हैं। तो ये लक्षण आखिर गर्भवती महिलाओं में क्यों नजर आते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो गर्भाशय का आकार भी बढ़ता है और ब्लैडर पर उसका प्रेशर पड़ता है, और आपको बार बार ऐसा महसूस होता है कि आपका ब्लैडर भर गया है और आपको यूरिन जाने की जरूरत पड़ती है। दूसरा रीजन ये भी होता है, बहुत ज्यादा अगर आपको यूरिन आने की समस्या हो रही है तो इसमें आपके खान पान का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आप अपने खान पान में बहुत ज्यादा तरल पदार्थ का सेवन करती हैं, ऐसे तरल पदार्थ जिसमें बहुत ज्यादा कैफीन और अल्कोहल की मात्रा होती है, तो ऐसे में भी आपको यूरिन जाने की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जितना ज्यादा कोशिश करें कि आप प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा तरल पदार्थ का सेवन ना करें। तो इसको भी माना जाता है कि अगर गर्भवती महिला को बार बार यूरिन जाने की समस्या होती है, हर 10-15 मिनट में वो यूरिन के लिए जाती हैं, तो ये गर्भ में लड़का होने के लक्षण होते हैं। लेकिन मैंने आपको कारण बताया है कि ऐसा क्यों होता है, इसका कोई भी साइंटिफिक आधार नहीं है कि बार बार यूरिन आने से लड़का या लड़की होती है। तो फ्रेंड्स, ये लोगों की धारणाएं हैं, लोगों के द्वारा बताई गई बातें हैं, कहीं सुनी बातें हैं, तो इसे 100% श्योर ना माने। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।